महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य होने की ओर इशारा करता है। आज हम आपको रामायण काल के सबूतों के बारे में जानकारी देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर वन, पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। एक सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर हैं। नंबर टू, रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 सालों से यह कमेटी श्रीलंका के कोने कोने छानबीन कर रही थी। यह उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। कमेटी के अध्यक्ष का कहना है, रावण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यह उसान घोड़ा, गुरुलोपोता, तोतुपोलकंदा और वारियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। नंबर थ्री, कोनेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव जी की पूजा करते थे। उसने भगवान शिव के लिए यह मंदिर बनवाया था। इसी मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को प्रदर्शित किया गया है, जो बताती है कि रावण के 10 सिर थे। नंबर फोर, सीता टियर तालाब। जो रावण धोखे से सीता माता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया था, तब रावण का पुष्पक विमान एक स्थान पर उतरा था। उस स्थान पर सीता जी के आंसू गिरे और वहाँ एक कुंड बन गया। आज इसे सीता टियर तालाब कहा जाता है। इसके आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी यहाँ का पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता। नंबर फाइव, कोंडागट्टू। रामायण के अनुसार हनुमान जी के लंका जलाने के बाद रावण डर गया था और उसे बार बार यह डर सता रहा था कि हनुमान जी दोबारा से लंका पर हमला न कर दे। इसलिए रावण ने सीता माता को अशोक वाटी से हटाकर कोंडागट्टू में रखा था। पुरातत्व विभागों को यहाँ कई गुफाएं मिली है जो सीधी रावण के महल तक जाती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताना।